दोस्तों, इस वक्त निकल कर आ रही सबसे बड़ी अपडेट के अनुसार चीन ने भारत के खिलाफ फिर से बड़ा एक्शन लिया है और ऐसा करके चीन इस बात को साफ कर चुका है कि वह भले ही भारत को लेकर अच्छे बयान दे लेकिन अंदरूनी तौर पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का सपना देखना कभी भी बंद नहीं करेगा। इसी की कड़ी में चीन ने दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर से गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश के 23 अलग अलग लोकेशन का नाम बदल दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके को नया नाम दिया। आज से पहले चीन ऐसा 3 बार पहले भी कर चुका है, 2017, 2021 और 2023 में इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके को अपने कल्चर के हिसाब से नए नाम दिए थे। ऐसा करने के पीछे चीन का लॉजिक है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, इसीलिए उस पर वह अपने कल्चर के हिसाब से नाम रखेगा। चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश शब्द को भी मान्यता नहीं देता, वह तो भारत के इस राज्य को जेंगनान कहकर बुलाता है। दोस्तों, इस बार की अपनी कोशिश में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में मौजूद कई रेसिडेंशियल एरिया, पहाड़, नदी और तालाबों के नाम बदल दिए हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि भारत चीन के इस करतूत का कड़ा जवाब देगा। इसके पहले भी हर बार भारत ने मजबूत रिएक्शन दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन बस बातों से नहीं मानने वाला बल्कि हमें भी अब तिब्बत को लेकर इसी तरीके की जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी चीन पर दबाव बनाया जा सकता है जिससे वह आगे इस तरह की हरकत ना करे। बता दें कि भारत और चीन के बीच फिलहाल जो तनाव पैदा हुआ वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल को इनॉग्रेट करने के बाद शुरू हुआ, जिसकी ताकत को देखकर चीन घबरा चुका है क्योंकि सुरंग का इस्तेमाल करके भारत अपनी मिलिट्री और भारी आर्टिलरी समेत रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों को असम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में बड़ी आसानी से मोबिलाइज कर सकेगा, जो चीन के लिए बड़ा खतरा है। इसी के बाद दोनों देशों के बीच में तीखे बयान आने शुरू हुए जिसका नतीजा हम लगातार बढ़ते तनाव और कमजोर संबंध के रूप में देख सकते हैं। लेकिन अब न सिर्फ भारत के साथ चीन के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं बल्कि चीन बांग्लादेश का इस्तेमाल करके बंगाल की खाड़ी में खुद को काफी मजबूत करने की कोशिश में लग चुका है, जिसको लेकर भारत के सामने घंटी तो तब बजी जब लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज में हमने बांग्लादेश में मौजूद शेख हसीना नेवल बेस में बनाए जा रहे ड्राई डॉक के रैपिड डेवलपमेंट को देखा। सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये नेवल बेस काफी तेजी से विकास कर रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन चीनी कंपनियों के हाथों में है। इस नेवल बेस को बांग्लादेश अपने फोर्स गोल 2030 मिलिट्री प्लान के तहत विकसित कर रहा है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहता है। लेकिन इस बेस का डेवलपमेंट चीन और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते रक्षा संबंध को भी सिंबलाइज करता है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि भविष्य में चीन इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल अपने सबमरीन और जहाज को मेंटेनेंस के नाम पर भारत के बहुत नजदीक लाने के लिए कर सकता है, जिससे चीन को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में मजबूत फुट होल्ड मिल जाएगा। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर भी बांग्लादेश में चीन का प्रभाव पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। हाल फिलहाल में हमें बांग्लादेश में वैसे ही इंसिडेंट देखने को मिले जैसा मालदीव में सत्ता परिवर्तन के ठीक पहले मिले थे, यानी कि अब बांग्लादेश में भी मालदीव की तरह एक बॉयकॉट इंडिया कैंपेन शुरू हो चुका है जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी के लीडर कर रहे हैं। साथ ही इन नेताओं ने बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में भारत के दखलअंदाजी और कई दूसरे मामलों पर सवाल उठाए। दोस्तों, बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी शेख हसीना पर भारत को फेवर करने और ऐसे ही कई बेसलेस आरोप लगा रही है, जिसका जवाब देते हुए पीएम शेख हसीना ने तीखे अंदाज में कहा कि जो लोग आज भारत को सच में बॉयकॉट करना चाहते हैं वे अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को आग क्यों नहीं लगा देते। ऐसे में ये बात तो साफ है कि शेख हसीना भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को काफी महत्व देती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो बांग्लादेश में भी एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाएगी, जो हमारे लिए अपने रीजन में प्रभाव को बनाए रखना ज्यादा कठिन बना देगा। चीन पहले ही पाकिस्तान को अपना गुलाम बना चुका है और मालदीव में भी भारत विरोधी सरकार स्थापित करने में सफल रहा। अब अगर बांग्लादेश के साथ भी वही हुआ तो ये भारत के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ जीत ही रहा है। दरअसल भारत ने भी अपने डिप्लोमेटिक पावर दिखाते हुए सही पॉलिसी की वजह से पिछले कुछ सालों में नेपाल, श्रीलंका और भूटान को चीन से दूर किया। ये सभी देश एक वक्त पर
चीन के काफी नजदीक हो चुके थे और भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन भारत ने समय रहते इन्हें वापस अपने प्रभाव में कर लिया। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में भारत को कूटनीतिक जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और मालदीव को लेकर हमारे सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भारत चीन के मंसूबों को हिंद महासागर क्षेत्र में कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।